यह सब हम आगे और एक नया साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के साथ। और आप लोगों के पास में हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाएगा और आप लोग सबसे पहले वो वीडियो देख सको। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास में ये ठंडा पानी और ये गर्म पानी, हम जो करेंगे ठंडे पानी के साथ गर्म पानी को मिला देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ठंडे पानी को गर्म पानी के साथ मिला देने के बाद ठंडा पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, लेकिन कहानी में है ट्विस्ट। हमारे पास में ये दो कलर का इंक, हम ठंडे पानी और गर्म पानी में इंक डालेंगे और इन दोनों पानी को एक साथ मिला देंगे और देखते क्या होता है। तो यार गाइस, इस ठंडे पानी के अंदर हम इस रेड इंक को मिला देते हैं। और इस गर्म पानी में हम ये ब्लू कलर का इंक मिला देते हैं। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो इस ठंडे पानी के साथ हमने रेड कलर को मिला दिया और इस गर्म पानी के साथ हमने ब्लू कलर को मिला दिया। अब गाइस, तो ये है गर्म पानी और ये ठंडा पानी। गर्म पानी को हम नीचे रखकर इसके ऊपर में हम ये ठंडा पानी डाल। ऑलराइट गाइस, हम फिर से गर्म पानी में ब्लू इंक को मिला देते हैं। और ठंडे पानी में इस रेड कलर को इंक को मिला देते हैं। हमने जो पहले वाला ट्राई किया था वो ठंडे पानी के ऊपर गर्म पानी था। अब हम जो दूसरे वाले में ट्राई करेंगे वो पहले ठंडा पानी रहेगा, उसके बाद गर्म पानी देंगे। तो यार गाइस, अपने साइंस का कमाल तो देख ही सकते हो। जब हमने पहले गर्म पानी के ऊपर में ठंडे पानी दिया था तो ये दोनों इंक का जो कलर है वो एक साथ मिल गया, लेकिन हम दूसरे वाले में जब पहले ठंडे पानी को दिया उसके बाद जब गर्म पानी को ठंडे पानी के ऊपर रखा तो ये दोनों इंक का आप देख सकते हो एक साथ तो नहीं मिला। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि साइंस का कितना कमाल हो सकता है। तो यार गाइस, आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए साइंस का कमाल कैसे होता है और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो ऑलराइट गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।